खबर है भदोही से। 15 से 30 सितंबर तक चलेगा आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु आयुष्मान पखवाड़ा। अंत्योदय कार्ड धारक परिवार के प्रत्येक सदस्य को आयुष्मान कार्ड से किया जाएगा आच्छादित। गोल्डन कार्ड से अछूते पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क मुहैया कराया जाएगा गोल्डन कार्ड। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों को मिल सकेगा लाभ। बता दें 15 से 30 सितंबर तक आयुष्मान पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योग अभियान से आच्छादित पात्र परिवारों को योजना का लाभ देने के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य के पास आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। 23 सितंबर को योजना के 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष अभियान चलाकर छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता में है। जिलाधिकारी आरका खौरी ने बताया कि अंत्योदय कार्ड धारक लाभार्थी परिवार जिसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य के पास आधार कार्ड और राशन कार्ड है, ऐसे लोगों का शत प्रतिशत सत्यापन करना आसान है। आयुष्मान भारत योजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना है। योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों तक उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए योजना से आच्छादित लाभार्थी परिवारों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित करना तथा परिवार के प्रत्येक सदस्य को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराना शासन का तात्कालिक लक्ष्य है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने बताया कि आयुष्मान पखवाड़ा के दौरान 15 से 30 सितंबर तक ऐसे परिवारों को लक्षित करने की कोशिश की जाएगी जो अंत्योदय कार्ड धारक परिवार के सदस्य हैं, लेकिन अब तक उनमें से किसी भी सदस्य के पास आयुष्मान कार्ड उपलब्ध नहीं है। शासन के निर्देश के क्रम में पंचायती राज निकायों के जनप्रतिनिधियों से पखवाड़ा सफल बनाने हेतु सहयोग कराने की अपील की है। उन्होंने लक्षित लाभार्थी परिवारों की ग्रामवार, वार्डवार सूची ग्राम सभा और वार्ड के बोर्ड पर चस्पा करने का निर्देश भी दिया है। भदोही से आजाद खान बापू की रिपोर्ट।